कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बेला एवं भल ना ब्रिटेन बयान को नहीं बैकफुट्रे राहुल एवं 4 वर्ष तलर एक बयान में फसी सुरत अदालत राहुल को 2 वर्ष जेल दंडादेश सुनाई हेले जेल परे बेल मिली बेले राय को चैलेंज करने को 30 दिन महलत देती कोर्ट अदालत को राय पर संसदर सड़क कांग्रेस कर संग्राम दलय नेता बीजेपी को समालोचना करने सहित राहुल साथ बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद प्रेसमिट कर राहुल को टारगेट आहारी प्रश्न उठू कौन रद्द हो कि राहुल को लोकसभा सदस्यता कौन 2024 निर्वाचन लड़ी पारे राहुल गांधी राहुल गांधी को 2 वर्ष जेल जेल परे बेल देले अदालत संसदर सड़क कांग्रेस विक्षोभ कांग्रेस ट्वीट गांधी डरता नहीं प्रेसमिट करी बरसला बीजेपी मुद्दा मानहानि केस 4 वर्ष पूर्वर मामला 2019 कर्णाटक एक निर्वाचन सभा रे मोदी नाम नहीं कटाक्ष करते सेतेबेलर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा एबेकार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहते नीरव मोदी ललित मोदी और नरेंद्र मोदी सरनेम कौन पर सामान राहुल को बयान को कोर्ट में चैलेंज करते गुजरात सेतेबेलर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी जो मामलार राय शुणाई सुरत कोर्ट मानहानि मामलें राहुल गांधी को मिली 2 वर्ष जेल दंडादेश हेले जेल पर जमीन प्रदान करदालत 15,000 टंकार व्यक्तिगत मुचलिकार राहुल गांधी को मिली जमीन राह विरोध उपरकोर्ट को जीवा को राहुल को 30 दिन महलत देते अदालत आईपीसी धारा 499 और 500 राहुल विरोध में रुजु होता मानहानि मकदमा 2011 अक्टोबर में राहुल गांधी अदालत हाजर हो पक्ष रखिते अदालत दुई पक्ष को शुणा पर राहुल गांधी को दोषी सब्यस्त करने 2 वर्ष जेल दंड देखते तुरंत जमीन भी मिली शुणाणी बेले कोर्ट में उपस्थित थे राहुल गांधी आवेदनकारी वकिल कहते राहुल गांधी जड़े सांसद जो आईन प्रणयन होने सांसद भी बारंबार से आईन भांगुंप क्षमा प्रार्थना करवा उचित हेले राहुल वकिल कहते आमको कहार दया दरकार ना आवेदनकारी वकिल अपिल पर कोर्ट 2 वर्ष जेल दंड शुणाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा तो उन्होंने ये कहा प्रोसिक्यूशन के वकील ने कि हो सके उतनी सजा जितनी मैक्सिमम सजा इसमें है वो मैक्सिमम सजा इन्हें दी जाए और जो भी मैक्सिमम फाइन है वो भी उन्हें फाइन किया जाए और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। अदालत को राय पर ट्वीट करते राहुल गांधी कहते मोर धर्म सत्य और हिंसा उपर आधारित सत्य मोर भगवान अहिंसा पर साधन निजर ट्वीट में महात्मा गांधी को जोड़ी थे राहुल गांधी राहुल सुरत थे सारा देश सपक्ष में बाहरी कांग्रेस आक्टिव हो जाता कांग्रेस ट्विटर हैंडल ट्वीट आसीला गांधी डरता नहीं से जनक जड़े कांग्रेस नेता ट्वीट कर सरकार को समालोचना करने राहुल को साथ देते राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था। बहुत घमंड में अहम में चल रहे हैं मोदी जी भी और अमित शाह जी। इनकी पार्टी में भी ये बहस शुरू हो गई है कि ये क्यों मजाक उड़वा रहे हैं पार्टी की। सुरत कोर्ट राव देवा पर संसद सड़क देखा मिली कांग्रेस तो संसद बाहर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व में राहुल गांधी को सपक्ष में बाहर कांग्रेस दल सांसद राहुल सपक्ष में मत रखा सह बीजेपी को समालोचना करते खड़गे जाना ये किसी हम एपं बारंबार उकल बदला जाता तलकोर्ट दे राय विरोध में आम हाइकोर्ट जी कांग्रेस कहवा कथा जदि मोदी नाम क्या जेल होशर गणतंत्र प्रति विपद बढ़ी बढ़ी चली सन्देह ना केवल कांग्रेस नुहे राहुल सपक्ष में बाहरी आम आदमी पार्टी आप सुप्रिमो अरविंद केजरीवाल कहते राहुल प्रति अन्या हो केवल विरोधी को ही यह टार्गेट करा जाउची यह ठीक नहीं है। नाम लेने से मानहानि हो जाती है ये भी बड़ी चिंताजनक विषय है। ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि किसी भी मोदी का नाम ले लो तो उसमें मानहानि हो जाती है। चैलेंज किया जाएगा खिलाफ साजिशन ये सब कुछ हुआ है
वो चाहते हैं राहुल गांधी आवाज बंद कर दें, लड़ाई बंद कर दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष बंद कर दें, तो फिर वो राहुल गांधी के डीएनए को नहीं जानते। यह संघर्ष और प्रखर होगा, सत्य की लड़ाई और मजबूत होगी। अलग अलग मुकदमों के अंदर विपक्ष के नेताओं को अलग अलग राज्यों में फंसाया जा रहा है। एक एक मामले के अंदर दर्जनों FIR अलग अलग राज्यों में कराकर विपक्ष के नेताओं को बताया जा रहा है कि अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आपकी जुबान हम बंद करा देंगे। ये ठीक नहीं है। केवल कांग्रेस रो वरिष्ठ नेता नुहंती, विभिन्न स्थान रे रास्ता खोलाइथिले कांग्रेस कर्मी, दिल्ली रो राजस्थान, चेन्नई रो डेराडून, सड़क रे संग्राम आरंभ करथिले कांग्रेस नेता और कर्मी, राहुल गांधी जिंदाबाद नारा देबा सो सत्र जो हेबो बोली कहथिले कांग्रेस नेता। अनेक कांग्रेस नेता और कर्मी हाथ रे प्लाकार्ड धरी बीजेपी को समालोचना करथिले। ये प्रदर्शन नहीं है, ये जो तानाई शासक जो इस मुल्क में राज कर रहे हैं उनके कानों तक आवाज पहुंचा रहे कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी निडर है, सत्य है, और सत्य कभी झुकता नहीं है, कभी डरता नहीं है। आप ही गाली पड़ेंगे। फुट को रापरे फ्रंट फुट को आसीथला बीजेपी प्रेसमेंट करी राहुल गांधी को ऊपर बरसीथले दलर वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद कोन सत्य अंश ऊपर विश्वास करथुबा लोके लोकों को अपमानित करंती। जदि राहुल गांधी निज जिद रे अटल रही लोकों को एबले अपमानित करंती तबे तांकर गाली पाई पीड़ित लोकों को मानहानि केस करिबार अधिकार रहिछि। कांग्रेस केबे भी नेपक भरोसा रखे नाही जाजि पुणि थरे खड़गेन को बानरु प्रमाणित होउछि। पूर्वरु राफेल मामला रे राहुल गांधी कोर्ट को राव उपरे प्रश्न उठाइबा सो क्षमा मागे सारिछंती। आलोचना को आमे सम्मान करूछु ले राहुल गांधी आलोचना नहि देश को बदनाम करथुबा कहिछंती रविशंकर प्रसाद। सेबले प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहिछंती राहुल गांधी निज बयान को ने सचेतन हेबा सो शिक्षा लाभ करबा उचित। कोर्ट को राय को स्वागत करिछंती बिहार बीजेपी सांसद सुशील मोदी। कोई सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है। तो आप फ्री गाली पढ़ेंगे, आप देश की सेना का अपमान करेंगे, आप देश के शहीदों की शहादत का मजाक बनाएंगे, आप भारत के राष्ट्रभक्ति राष्ट्रशक्ति का अपमान करेंगे, आप देश की जनता के वोट का अपमान करेंगे, आप देश की जनता के जनमत का अपमान करेंगे और कहेंगे हम सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। देश को कमजोर करना, देश को बदनाम करना और नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ भद्दी से भद्दी गाली समान आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत हो गई है। तबे कोर्ट को राय पर कौन रहिछि राहुल गांधी को पाखरे विकल्प कौन रद्द हो जीव राहुल को सदस्यता निर्वाचन लड़ी परिबे तो राहुल गांधी सूरत अदालत राहुल को जेल परे राहुल गांधी सर्वोच्च कोर्ट रु राहुल निराश होती सदस्यता रद्द होवार संभावना रही एपरिकी 6 वर्ष निर्वाचन लड़ी पारे नहीं राहुल गांधी। स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। 2 साल की सजा का मतलब ये हुआ कि उनकी वर्तमान सदस्यता लोकसभा की भी जानी चाहिए और आने वाले टाइम में 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर कोर्ट उनकी जो वर्तमान जो उनका 2 साल की सजा है उस पर उनको टाइम दे देता है कि भाई ठीक है आप 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के अंदर आप अपील कर सकते हैं तो 1 महीने तक उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, लेकिन अपील करने के बाद अगर ऊपरी अदालत उनके सेंटेंस को स्टे नहीं करता, उनकी सजा को नहीं रोक देता है, तब फिर से वही होगा कि उनकी सदस्यता जाएगी और आने वाले टाइम में चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ऊपरी अदालत ये कहती है कि भाई ठीक है इनका सेंटेंस भी स्टे रहेगा, इनकी गिरफ्तारी भी स्टे रहेगी, दोनों पे स्टे रखेंगे, तब वो चुनाव लड़ पाएंगे और उनकी उनकी सदस्यता बनी रहेगी। नहीं, 2 साल से कम अगर टोटल अगर सजा 2 साल से कम होती है तब सदस्यता नहीं जाती है, लेकिन अगर वो एक धारा में 2 साल की हो या 2 धारा में 2 साल की हो, टोटल अगर सजा 2 साल की हो गई है, चाहे वो 4 धारा में मिला के वो 2 साल की हो रही हो या 1 धारा में 2 साल की हो रही हो, तब उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। गोटे पर गोटे बयान दे अड़ुआ पड़ुंट कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ब्रिटेन बयान पर कर्णाटक दे 4 वर्ष तलर बयान सृष्टि करिछि आउ एक अड़ुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 इंडिया।